गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेगी। सो 17 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 17 जनवरी को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सो 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन डे सेलिब्रेट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संस्थापक जनकों में से एक थे और एक प्रसिद्ध बहुश्रुत फ्रैंकलिन एक प्रमुख लेखक और मुद्रक, व्यंगकार, राजनीतिक विचारक, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक आविष्कारक, नागरिक कार्यकर्ता, राजमर्ग सैनिक और राजनीयक थे। सो 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। यह हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस देश में बनी पहली सुपरकार को तालिबान ने किया पेश? सो हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान में बनी पहली सुपरकार मांडा नाइन का अनावरण किया है, जिसे अफगानिस्तान में डिजाइन किया है और बनाया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कार की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और कहा कि इसे मनाया जाना पूरा देश के लिए सम्मान की बात है। इसमें टोयोटा कोरोला का जापानी इंजन लगाया हुआ है इस कार में। सो यह हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में किस कंपनी ने जीते पांच साल के महिला आईपीएल के मीडिया राइट्स। सो हाल ही में बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने हाल ही में ऐलान किया कि वायाकॉम 18 विंस वुमन आईपीएल मीडिया राइट्स और वायाकॉम 18 के साथ 951 करोड़ का समझौता हुआ है और इससे हर मैच की वैल्यू करीबन 7.09 करोड़ होगी। भारत में महिला क्रिकेट के सशक्तिकरण के लिए यह ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। सो यह हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, 2010 से लेके अब तक नेपाल में हुई कितनी बड़ी विमान दुर्घटनाएं और इनमें कितने लोगों की मृत्यु हुई? सो यहाँ पे एक लिस्ट जारी की गई है। नेपाल के पोखरा में हाल ही में रविवार को क्रैश हुए यति एयरलाइंस के विमान सवार 2023 में, जिसमें 72 लोगों में से 68 यात्रियों की मौत हो चुकी है। साल 2010 से अब तक नेपाल में 9 बड़ी विमान दुर्घटनाएं हुई है। 2010 से लेकर 2013 तक नेपाल में 9 बड़ी विमान दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें टोटल 256 लोग की मौत हुई है। रविवार को हुए विमान दुर्घटना में पिछले 13 वर्षों में नेपाल की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना है। 2023 में यति एयरलाइंस, जिसमें 68 लोग मारे गए। 2022 में तारा एयर्स, जिसमें 22 लोग मारे गए। 2018 में यूएस बांग्ला एयरलाइंस की विमान दुर्घटना है, जिसमें 51 लोग मारे गए। सो यह सबसे 13 सालों में सबसे बड़ी घटना 2023 में यति एयरलाइंस की हुई है। सो यह हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी बना वनडे में
पांचवें सर्वाधिक रन बनाने वाला, पांचवें सबसे सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी। सो हाल ही में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली, हाल ही में वनडे क्रिकेट में पांचवें सर्वाधिक रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में 63 वार रन बनाते ही कोहली वनडे क्रिकेट में 12,651 रन पूरे हो गए हैं और उन्होंने पूर्व श्रीलंकाई कप्तान महिला जयवर्धने को पछाड़ दिया है। वनडे में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के पास है, जिससे 18,426 रन वनडे में बनाए हैं और अब विराट कोहली 12,651 रनों में पहुंच गए हैं। इसके साथ वो वर्ल्ड के 5th रैंक में आ गए हैं सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी, और जयवर्धना का रिकॉर्ड तोड़ा है पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर का। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किस मूवी को क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट फॉरेन फिल्म का मिला रिकॉर्ड। सो हाल ही में एस एस राजामौली की फिल्म RRR को हाल ही में आयोजित 28वें क्रिटिक चॉइस अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है। एस एम किरवानी द्वारा कंपोज किए गए फिल्म के गाने नाटू नाटू ने भी इनमें बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जीता है। नाटू नाटू को हाल ही में गोल्डन ग्लोबल में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भी मिला था और बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, भारत में अब तक 88 लाख से अधिक विकलांगों के लिए जारी किए हैं कौन से कार्ड। सो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक 88 लाख से भी ज्यादा विकलांगों के लिए विशिष्ट विकलांग पहचान पत्र यानी कि यूडीआईडी कार्ड मीन्स यूनिक आईडी फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज यूडीआईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विकलांगों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने और हर विकलांग व्यक्ति को एक यूडीआईडी कार्ड जारी करने के लिए देश के सभी राज्यों में विकलांगों के लिए विशिष्ट। क्वेश्चन 8, बीते 2 साल में किस योजना के तहत 4,600 करोड़ से अधिक लोन बांटे गए हैं। सो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि बीते दो वर्षों में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर नीति योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना यानी कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 4,600 करोड़ के 40 लाख से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं और इससे 45.32 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं और रेहड़ी पटरी वालों की आर्थिक मदद के लिए सरकार ने 2020 में ये योजना की शुरुआत की थी और इसके तहत अब तक यानी कि पीएम स्वनिधि के तहत अब तक 4,600 करोड़ से अधिक की लोन बांटी गई है। यह हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में कौन सी कंपनी ने अपनी गाड़ियों की कीमत में
1.1% की बढ़ोतरी की है। सो हाल ही में ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने हाल ही में बताया कि उसने अपनी गाड़ियों की कीमत में औसतन करीब 1.1% की बढ़ोतरी की है। कंपनी ने पिछले साल दिसंबर 2022 में कहा था कि वह बढ़ती लागत के कारण अपनी गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी करेगी। इससे पहले कंपनी ने अप्रैल 2020 में भी अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ाई थी। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, भारत ने दिसंबर में किस देश के साथ 10 लाख बैरल कच्चे तेल का प्रतिदिन किया आयात। सो हाल ही में वोटेक्सा के मुताबिक भारत का रूस के साथ कच्चे तेल का आयात दिसंबर 2022 में बढ़कर 10 लाख बैरल प्रतिदिन पर पहुंच गया है। इससे पहले बीते वर्ष नवंबर 2022 में रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात 9.09 लाख बैरल प्रतिदिन था। पहली बार भारत का रूस से कच्चा तेल आयात में 10 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक है। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। सो 17th जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी।